तो देखो यार, अब तक जितने भी हमारे फ्री फायर में न्यू वाले करेक्टर्स आए हैं, जो भी आए हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे मस्त वाला, सबसे हार्ड वाला, सबसे खतरनाक जो करेक्टर है, वो है अलोक का करेक्टर। तो यार आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और जो उसकी स्किल है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसका गेम प्ले देखेंगे कैसा है, और जो उसकी स्किल है वो कैसे वर्क करती है सब मैं आपको दिखाऊंगा, और जो कुछ ऐसी बातें हैं इस करेक्टर के बारे में जो कि आपको पता नहीं है और थोड़े से डाउट्स हैं जो कि उसकी स्किल स्लॉट को लेकर थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। जरा टोटल मिलाकर बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, ठीक है, मजेदार। तो इसको यार पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो चलिए फिर यार, ज्यादा बातें तो हम करते नहीं है हमेशा की तरह, तो चलिए फिर हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो देखो यार, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा आलोक का कैरेक्टर है वो हमें ऐसे टॉप ऑफ के इवेंट में आ सकता है, जहाँ कहीं और तरीके से आ सकता है, तो उसी के चलते अब जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारे स्टोर में अवेलेबल कर दिया गया है, जो कि यार बहुत ही कॉस्टली है। वैसे तो बात करें तो जो इसका जो प्राइस है उन्होंने रखा है वो है 1499 डायमंड, और जो उसका इमोट है ये वाला टॉप डीजे वाला, वो है 499 का। तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया बात तो वैसे ये है कि जो पूरा पूरा आपको करेक्टर है उसका जो बंडल है, फिर यहाँ पर जो करेक्टर का लेवल अप कार्ड है वो सब आपको 1500 डायमंड में मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इतने डायमंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी वीडियो जो दिखाऊंगा, यानी कि जो कि एक चैनल है कुलगार नाम के, तो वहाँ पर उन्होंने अपने वीडियो डाले चैनल पर, तो उनको हम क्रेडिट दे देंगे। वैसे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का नाम है आप दे सकते हैं जाकर। तो वहाँ पर सबसे पहले यार उन्होंने वीडियो डाली, अभी तक हमारे इंडिया में भी किसी ने भी जो ये वाला करेक्टर है वो बाय नहीं कराया, हालांकि सुनीता जी ने कर लिया होगा, अभी पता नहीं है मेरे को, और जहाँ पर और भी बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, लेकिन अभी जो मैं हाल फिलहाल वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, यानी कि सॉरी डाउनलोड नहीं अपलोड कर रहा हूँ, तो अभी तक तो किसी ने हमारे इंडिया में से किसी ने भी जो ये वाला करेक्टर वो नहीं लिया, सुनीता जी ने ले लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलो यार, सीधा के सीधा उस वीडियो पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको ये वाला करेक्टर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सीधा के सीधा जैसा कि बाय कर लिया, ठीक है, देख लिया आपने, तो अब इसका जो गेम प्ले है वो देखते हैं, और जो इसकी एबिलिटी है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो देखो यार, हमारा जो करेक्टर है जहाँ पर उतरा है, तो यहाँ पर वैसे जो अभी आपको बंदे दिखेंगे वो यहाँ पर पतलू से मोटू से जो भी होते हैं, ये वाले जो बॉर्ड्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पहले उसे हम डैमेज दिखाएंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि जो इसकी एबिलिटी है वो कैसे वर्क करती है। तो चलो यार, इसको मारते नहीं है कि ए भाई मार ले, चल जो भी गोली बत्ता मारना मार ले। तो यहाँ पर जो बहुत ही अच्छा वाला डैमेज दे रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए, चलो इसको मारते हैं अब। तो इसको काम तमाम कर दिया, जो एक बंदा और आ रहा है तो उसको भी यहाँ पर मारना पड़ेगा, तो ये लिए इसका भी काम, ओए भाई, तो इसका भी काम वैसे तमाम ही है, तो ये लिए इसका काम तमाम। तो अब हम देखते हैं कि जो इसकी एबिलिटी है जहाँ पर आपको टच करना होगा। और हाँ, दूसरी बात एक और जो कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो इसका बोल रहे थे कि जो इसका स्किल स्लॉट है, जहाँ पर जो दूसरा करेक्टर है उसकी जो स्किल है आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जैसे दूसरे करेक्टर में स्किल यूज़ करते हैं तो ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, जो अब इसकी एबिलिटी है वो यहाँ पर वर्क करती है। तो यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जो ऑरा बनता है जब भी इसकी जो पावरफुल हो जाती है, जो भी जर जैसा वू कॉन्ग का करेक्टर ना, वू कॉन्ग का, तो जैसे उसका जो घास आ जाता है कुछ सेकंड के लिए, तो ऐसे ही इसकी जो पावर आ जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ऑरा बन जाता है एक 10 मीटर का, तो उसके चलते जो इसकी स्पीड है पहले तो 10% बढ़ जाती है, और फिर जो उसकी HP है वो 5 सेकंड के लिए बढ़ती है, जहाँ पर 5 HP पर सेकंड, यानी कि यहाँ पर 25 जो HP आपकी 5 सेकंड के लिए बढ़ जाती है। तो यह बहुत ही मस्त वाला है, लेकिन यहाँ पर एक बात खत्म नहीं होती, जो आपके यानी कि जो इतना सर्कल होगा, अगर आपके जो सभी स्क्वाड के मेंबर हैं वो भी भाग रहे हैं तो उनकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, और उसके साथ ही यार उसकी जो HP है उनकी भी साथ में आपके बढ़ेगी, जैसा कि बोन फायर होता है। तो यार सबसे यार मस्त वाला जो करेक्टर यार अलोक का ही है, तो इसको लेसे लेने के लिए आपके पास यार 1500 डायमंड चाहिए, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो वैसे अगर आप लेना चाहें तो यार अभी जो इसको लेने का मौका है आपके पास 400 रुपीज़ में, तो वो कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि अभी जो हमारे फ्री फायर में एक टॉप अप इवेंट चल रहा है, जहाँ पर आपको डायमंड का टॉप अप करने पर ही आपको
बहुत सारे डायमंड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर आप 100 डायमंड का टॉप अप करते हैं तो फिर आपको 100 डायमंड मिल जाएगा। फिर अगर आप 210 डायमंड का करते हैं तो यार आप कोडा शॉप से कर सकते हैं, जहाँ पर आप 80 रुपीज़ में 100 डायमंड का टॉप अप कर सकते हैं तो फिर आपको 200 डायमंड मिल जाएगा। ठीक है, 200 ये मिल गया। फिर जो नेक्स्ट वाला है वो है 210 डायमंड का, तो वो आपका 160 और 40 दूसरा लगा लो, 240 डायमंड हो जाएंगे। और यहाँ पर 240 में आपको मिल जाएंगे जो हमारे, सॉरी, यहाँ पर 200 रुपीज़ में आपको 240 डायमंड मिल जाएंगे, और ऊपर से आपको 100 और 310, 410 डायमंड आपको ये मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपके 500 के ऊपर डायमंड हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर इसके साथ ही आपको जो 520 डायमंड है वो और मिल जाएंगे। तो यार ऐसे करके आपके पास 1000 डायमंड हो जाएगा। और फिर अगर आप 540 रुपीज़ का करते हैं, यहाँ पर यार हमारी लिमिट होती है, यहाँ पर 540 का आप कर सकते हैं। 400 का अगर आप करेंगे कोटा शॉप से तो वहाँ पर आपको 520 डायमंड मिलेंगे। और फिर ऊपर से आप 40 का कर सकते हैं, जिसमें आपको 40 डायमंड, सॉरी, यहाँ पर 50 डायमंड और मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपके पास यार कुल मिलाकर 1500 से 2000 के बीच डायमंड यार हो जाएगा। तो फिर आप जो हमारा अलोक का करेक्टर है वो ले सकते हैं। तो यार सबसे मस्त वाला करेक्टर मेरे को तो लगा है, लेकिन आपको कैसा लगा है आप भी अपनी राय दे सकते हैं वैसे, क्योंकि यार आपको पता है कि यार इसकी जो एबिलिटी है वो सबसे मस्त है, सबसे यूनिक है। क्योंकि जितने भी हमारे करेक्टर आए फ्री फायर में, जैसा कि लौरा का करेक्टर आया, अभी जो हमारा हाल फिलहाल में क्या आया, शानी का करेक्टर आया जो कि हमारी वेस्ट को अपग्रेड करती है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो यार आप उसकी स्किल यहाँ पर इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं इसको लोग का करेक्टर है उसमें यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत ही मस्त रहेगी। क्योंकि यहाँ पर ये HP तो बढ़ाएगा ही, और यहाँ पर साथ में यार जो मस्त वाली बात है ना, मस्त वाली, तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्क्वाड आ जाता है, फिर यहाँ पर आप अपना जो ऑरा है अलोक करेक्टर का उसको यूज़ करके, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो 10% बढ़ जाएगी, एक तो ये हो जाएगा, और फिर जो इसकी HP है वो साथ में बढ़ती जाएगी। यार मान लीजिए आपको डैमेज हो रहा है और साथ में आपके जो इसकी एबिलिटी यूज़ कर रहे हैं और उसका जो ऑरा है उसको आपने ऊपर कर दिया, यानी कि ऑन कर दिया, तो साथ में डैम जाएगी, साथ में आपकी HP बढ़ेगी, और यहाँ पर जो आपका एनमी होगा उसकी फटक जाएगी, तो यानी कि सटके जाएगी, बोल दिया। तो ऐसे में यार बहुत ही मस्त वाला करेक्टर, मस्त वाला, मेरे को तो यार सबसे अच्छा वाला जो करेक्टर है अभी तक का फ्री फायर का यही लगा है। तो हो सकता है कि मैं ये वाला जो हमारा डायमंड टॉप अप है ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसको करके हो सकता है कि मैं हमारा जो अलोक का करेक्टर है इसको ले लूँ, क्योंकि यार मस्त वाला है। और फिर जो सबसे अच्छा इसका यूज़ है, आप इसको जो है रैंक पुश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी यार काम आएगा, यानी कि यार टोटल मिलाकर आपका सभी जगहों पर ये वाला जो करेक्टर वो काम आ सकता है। और ऐसे बात करें एक और, तो जो हमारा अलोक का करेक्टर है, जैसे कि आपने दूसरे करेक्टर देखे, जो अलोक का करेक्टर है वो यार हूबहू यहाँ पर रियलिस्टिक लगता है। जैसा कि आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे ना हमारा अलोक का करेक्टर, आप ऐसे ही अलोक DJ सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यार बहुत ही फेमस बंदा है जो भी है हमारा अलोक का करेक्टर, वो बहुत ही फेमस DJ ब्राज़ील का। तो आप अगर सर्च करेंगे और वहाँ पर उसकी जो पिक्चर है, रियल वाली पिक्चर है, और यहाँ पर जो हमारा करेक्टर उन्होंने अभी इसमें फ्री फायर में दिया है, तो अगर आप उसको देखेंगे यहाँ पर हूबहू सेम टू सेम है यार, सेम पिच है, सेम पिंच है, जो भी होता है, इतनी यार इंग्लिश तो हमको आती नहीं है, तो यहाँ पर यार सेम टू सेम ही हमारा जो भी इसका बात कर लें जो भी है, तो बहुत ही मस्त वाला है। ये देखिए क्या कमाल का यार करेक्टर, एकदम रियलिस्टिक लगता है ये देखिए, तो यार बहुत ही मस्त वाला करेक्टर है। तो आपको कैसा करेक्टर लगा है वैसे, तो आप नीचे यार कमेंट में ज़रूर मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे। और यहाँ पर एक और बात कर लेंगे, अगर मान लीजिए आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यार हमारे लिए तो यहाँ पर जाने के, जो भी बेचारे बंदे अभी स्कूल वगैरह में जाते हैं, जिनको यार पॉकेट मनी बहुत थोड़ी मिलती है, जिसमें वो अपने गोलगप्पे पानी पूरी यानी कि जो कुछ भी वो खाते हैं बस उतना ही उनका गुजारा चलता है, तो ऐसे में यार उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो हो सकता है कि क्योंकि यार इतना ज़्यादा बड़ा करेक्टर है, इतना यार कॉस्टली हमारा जो वाला जो अलोक का करेक्टर है, ठीक है, तो इसको सभी तो ले नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कि थोड़े दिन में, एक दो दिन में, जहाँ थोड़े दिन में अब पता नहीं है, तो हमारा कोई इवेंट आ जाए जिसमें कि इसको जो दे दे, या फिर हमारा कोई टॉप अप इवेंट आ जाए उसमें दे दे, लेकिन यार चांस बहुत कम है, पहले बता दो। क्योंकि पहले यार ऐसे जो करेक्टर को दिया नहीं जाता है, अगर ऐसे दे दिया यानी कि 1500 में जो इसका बंडल है, जो सब कुछ इसका दे दिया, तो फिर हो सकता है कि ना आए, लेकिन यार इनको देना तो चाहिए, क्योंकि सभी के लिए ये बहुत ही करेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो मस्त वाला करेक्टर है, ठीक है।
तो बस यार मैंने आपको बता दिया पूरा, ऐसे फाड़ कर एक्सप्लेन कराया आपको यार सारा का सारा। तो बहुत ही मस्त वाला कैरेक्टर थे, नीचे कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और उसके साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको ये वाला जो हमारा आलोक बाबा का कैरेक्टर है वो कैसा लग रहा है। तो बस यार वीडियो को लाइक शेयर कर देना, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो ऐसी और मस्त फ्रेश वीडियो के साथ यार हम फिर जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।